नेक्स्ट लाइन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ किरण यादव। महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, शिवसेना को लेकर लगातार एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे हैं। और देखिए अब आज की हम बात करें तो आज यानी कि 27 सितंबर को एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जो चुनौतियां है वो आज सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दे रही है और लगातार कपिल सिब्बल की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया एकनाथ शिंदे पर। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना के प्राइमरी सदस्य ही नहीं है, तो आखिरकार उन्होंने किस अर्ज पर ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दर्ज कराया। तो ऐसे में तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे पर, लेकिन ऐसे में देखना यह होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम फैसला किसके पक्ष में आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर आगे के लिए इस सुनवाई को टाल दिया जाएगा। इस बीच जो बड़ी जानकारी है, जो अंदरूनी सूत्रों की तरफ से जो खबर आ रही है वो यही है कि एकनाथ शिंदे को एक तरफ तो देखिए उद्धव ठाकरे कड़ी चुनौती दे रहा है, तो वही दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी उन्हें बड़ी चुनौती दी जा सकती है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए शिवसेना को लेकर मामला अभी लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो एकनाथ शिंदे है उनका जो मुख्यमंत्री पद है वो जा सकता है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इसलिए बगावती तेवर किए जा सकते हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार उनकी यही मांग है तब कैबिनेट का दूसरा विस्तार हो, तब उनके तमाम विधायकों को जगह मिले। लेकिन ऐसे में तब दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा, उसमें पहले कैबिनेट विस्तार में एक भी महिलाओं को जगह नहीं दी गई। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की यही कोशिश रहेगी कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाए। तो ऐसे में जो एकनाथ शिंदे के तमाम विधायक हैं उनकी तरफ से नाराजगी दिखाई जा सकती है। तो ऐसे में देखिए हम आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे की अब दोनों तरफ ही मुश्किलें हैं। एक तरफ तो उनके विधायक हैं जो वो नाराज चल रहे क्योंकि उन्हें पहले कैबिनेट में जगह नहीं दी थी, उसके बाद दूसरे कैबिनेट पर उन सभी की नजरें बनी हुई है। अगर दूसरे कैबिनेट विस्तार में उन्हें जगह नहीं मिली तो उनकी तरफ से भी बगावती तेवर दिखाई दिए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ शिवसेना को लेकर यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या एकनाथ शिंदे की आखिरकार ये मुश्किलें कब खत्म होंगी भी या नहीं होंगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।